नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कस्टम लोगो क्लैश ऑफ क्लैन में ऐड कैसे करें। तो बहुत सुपर ट्रिक है, जो ट्रिक नहीं है, सब बहुत आसान है। एडिट करने का तरीका है वो, अब हम लेते हैं इसे सिंपली स्क्रीनशॉट मार लेता हूँ मैं इसको क्लैंकस्टल का। वो क्लैंकस्टल का स्क्रीनशॉट मार लेके थोड़ा सा वो बाजू वाला क्रॉप कर देते हैं। वो नहीं, वो बाजू वाला, हाँ ओके ओके ओके, वो बाजू वाला थोड़ा सा क्रॉप कर देते, थोड़ा थोड़ा क्रॉप कर देते, ओके बराबर काट लेते। फिर बाद में हम जो जो चाहिए आपको पिक्चर, वो आपको निकाल कर वो उधर डाल सकते हैं। मैं तो वो तीन पिक्चर लेता हूँ अभी, वही लेता हूँ, ये तीन पिक्चर लेता हूँ मैं। तीन पिक्चर लेके जाने के बाद तो तीनों साइज़ की छोटी कर देते हैं पहले, और बाद में उसे हर बॉक्स में ऐसे बिठाएंगे कि वो पूरी बैठ जाए। और वो दिखनी भी नहीं चाहिए, वो पूरी बैठी है, इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्लेंड में जाके, और सिर्फ पूरी बराबर जूम करके बिठा देते हैं। ये देखो ऐसे नहीं, थोड़ी सी बाहर हो रही है, हाँ ओके ओके बराबर है, थोड़ी सी ओके ओके बराबर है। बाजू वाला वो जो स्क्रीन का उसकी वेबसाइट वो निकाल देते, नहीं तो कुछ अलग दिखेगा। दूसरा भी सेम वैसा करने का है, इसको छोटा करने का, मल्टीप्लाई करने का, और उसको वही लगा देने का, सेम लगा देने का वैसा, ओके। इसे सेम लगा के बाद सेम लगा के बाद वो तीसरा भी इधर ही सेम लगाने का है, जैसे कि उसको अच्छा दिख सके। ओके छोटा ओके बराबर है, ये बराबर है, परफेक्ट है। उसकी आवाज़ की वेबसाइट खोल देता हूँ मैं, फिर तीसरा लगाएंगे। ओके अब मैं तीसरा लगाऊंगा इस बॉर्डर में, ये फिक्स हो गया, वो भी फिक्स हो गया। अभी ये लगाऊंगा मैं तीसरे बॉर्डर में, और ये तीसरी बॉर्डर रहेगी वो, ये देखो तीसरे मल्टीप्लाई कर देते, छोटा करके जूम कर देते, उस बॉर्डर में फिट कर देते भी, देखो थोड़ा सा ओके, और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद छोटा वो फिट कर देता हूँ पहले, हाँ ओके छोटा करने का, और नीचे लेकर थोड़ा सा उसे फिट कर देता हूँ। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।